आपने राम जी को, कृष्ण जी को श्री कृष्ण और श्री राम कहकर संबोधित करते हुए देख सुना ही होगा। हनुमान जी को भी श्री हनुमान कहते हैं, महादेव को भी श्री महादेव कहते हैं, गणेश जी को श्री गणेश कहते ही हैं, उनके साथ तो श्री सिद्धिविनायक का नाम जुड़ा ही हुआ है। तो श्री राम श्री कृष्ण आखिर हम कहते हैं ये श्री कौन है, आखिर श्री कृष्ण में श्री कौन है, श्री राम जी में श्री कौन है, सभी का मतलब एक ही होता है कि अलग होता है। श्रीमन नारायण नारायण कहते हैं तो श्रीमन नारायण में ये कौन है श्री, आइए इस कारण में चर्चा करते हैं। तो सभी भगवानों की बात यह है कि वो जो है ये प्रतीक है श्री उनके साथ लगा हुआ है कि श्री कृष्ण श्री राम, अर्थात वो श्री हिंद तो नहीं है श्रीमान है वो, इसीलिए जो है हम अपने पिता के फिर आदरणीय किसी के भी नाम कह के श्रीमान लिखते हैं। ठीक है, तो श्री कौन है, श्री का अर्थ होता है श्री कृष्ण में श्री है हमारे राधा रानी लाडली जी, वो है हमारी श्री, इसी कारण श्री कृष्ण बोल दिए अर्थात आप राधा कृष्ण दिया समझ लीजिए। उसी प्रकार श्री राम है तो श्री राम में श्री जो है माता सीता के लिए उपयोग किया गया है, अर्थात अब सिया राम ना बोल के सीता राम ना बोल के श्री राम बोल रहे हैं, तो भी जो है माता सीता और राम जी का नाम साथ में आ जा रहा है। पहले मैं ही सोचता था कि हनुमान जी जय श्री राम बोलते हैं जबकि उनको जय सीता राम बोलना चाहिए, तो जय श्री राम वो बोल रहे हैं। इस प्रकार से श्री जो है माता सीता के लिए प्रयोग हो रहा है और महादेव जी के लिए श्री जो है माता पार्वती है, और इसी प्रकार श्री गणेश के लिए जो श्री है वो रिद्धि सिद्धि है, और उनकी माता का भी प्रयोग उनके साथ किया ही जा सकता है क्योंकि श्री गणेश जो है अपने माता के सबसे बड़े लाडले दुलारे बेटे होते हैं। अब आपका यह सवाल हो सकता है, सबसे बड़ा यह प्रश्न इसमें उठ सकता है कि चलो समझ में आता है कि श्री कृष्ण में राधा जी के राधा जी श्री हैं और वहीं श्री राधा कहते हैं तो श्री श्री कृष्ण बन जाते हैं श्री राधा में, और उसी प्रकार से जो है श्री राम में जो है सीता जी जो है श्री हैं। लेकिन आप यह सोच सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, श्री हनुमान में श्री कौन है, वो तो ब्रह्मचारी हैं, उनकी तो कोई पत्नी नहीं है, तो उनमें श्री कहाँ से आ रहा है। तो यह बहुत बड़ा सवाल हो सकता है आपका, लेकिन इसका उत्तर इस प्रकार से आता है कि श्री हनुमान जी में जो श्री हैं वो जो है हमारी माता जानकी और श्री रामचंद्र जी दोनों के लिए उपयोग किया। क्यों? क्योंकि देखिए बात इस प्रकार से है कि हनुमान जी जब अपना हृदय चीर के दिखाते हैं कि उनमें जो है माता जानकी और श्री रामचंद्र जी का वास है, अर्थात उनके हृदय में श्री राम जी और माता सीता दोनों ही वास करते हैं, इस प्रकार से वो उनके पुत्र के समान, उनके भक्त उनके दास के समान है। इस प्रकार से श्री हनुमान में श्री जो है श्री रामचंद्र जी और माता सीता दोनों एक साथ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे भगवानों के पीछे, हमारे आदरणीय देवों के पीछे जो है हमारे योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी, हमारे श्री रामचंद्र जी के जो नाम के आगे जो है श्री क्यों लगाया जाता है। तो इस प्रकार से वो जो श्रीमान है वो श्री ही नहीं है, इसी प्रकार से जो है श्री का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आप इसके बारे में जानते थे, कमेंट्स को जो बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।